शर्म आनी चाहिए। जी हां, शर्म आनी चाहिए उस हर एक शख्स को जिसने उज्जैन में हुई घटना का वीडियो देखा और उसे आगे बढ़ाया। गजब संसार में रह रहे हम लोग, कोई नाच रहा होता सड़क पर तो हम वीडियो बनाते हैं, कोई मर रहा होता है तो हम वीडियो बनाते हैं, कोई लड़ रहा होता है तो हम वीडियो बनाते हैं, और कोई रेप कर रहा होता है तो हम बजाए पुलिस को इन्फॉर्म करने के, क्योंकि हम में इतना साहस तो होता ही नहीं कि हम सामने वाले से लड़ सके भिड़ सके, लेकिन हम वीडियो बनाते हैं, मजे लेते हैं और इसे आगे बढ़ा देते हैं। और इसीलिए हमने लिखा है कि आबरू परवार इंसानियत शर्मसार, शर्म कीजिए। उज्जैन की घटना ने एक बार फिर महिला सुरक्षा को लेकर सवाल उठा दिए, लेकिन क्या होगा, हम सवाल पूछते रहेंगे, हर दिन एक नई घटना सामने आती रहेगी। सरे रहा एक महिला के साथ रेप की वारदात हुई, वीडियो का वायरल होना, वास्तव में क्या वाकई हमारे अंदर की संवेदनाएं मर चुकी हैं? मध्य प्रदेश में लगातार महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ रहे हैं, अपराधों को लेकर कांग्रेस सरकार पर हमलावर है और बीजेपी पलटवार कर रही है। आरोप है कि कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए हर घटना में यहां बीजेपी पर हमला किया जा रहा है। रिपोर्ट देखिए, उसके बाद हम सवाल पूछेंगे। महिलाओं के खिलाफ कब तक अपराध? धर्मनगरी में दरिंदगी, दिमाग में कैसी गंदगी? दुष्कर्म की घटना का एक वीडियो हमारे पास आया था, तत्काल वीडियो पर संज्ञान लेते हुए जो पीड़ित महिला है उसके थाना लाया गया और उसकी शिकायत पर FIR दर्ज किए हैं। जिन्होंने वीडियो बनाया है और वीडियो को वायरल किया है उसको भी अभी हम चिन्हित करेंगे और उसके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई करेंगे। बेटियों की पुकार, बंद करो अत्याचार। ये तो एक उज्जैन का है, पूरे प्रदेश में हर जगह महिलाओं का मामला सामने आ रहा है, ये जो कानून व्यवस्था है पूरी ठप है। पर मध्य प्रदेश की ओर भी तो देखो कि यहाँ हालात क्या है, मध्य प्रदेश में हालात बस से बदतर है। महिला सुरक्षा पर रात, सियासत आर पार। ऐसे लोगों को फांसी के फंदे पर पहुंचाने का अगर किसी ने सबसे पहले कानून बनाकर इन्हें दंडित करने का प्रयास किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया, जीतू पटवारी जी। आखिर कब तक बेटियों महिलाओं के साथ दरिंदगी? धर्मनगरी उज्जैन में महिला के साथ हुई हैवानियत की वारदात ने सबको डरा दिया। दुष्कर्म हुआ और वीडियो बनाया, फिर उसे वायरल कर दिया। आखिर कब तक महिला पर अपराध? हर दिन हर शहर में महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं, कभी रेप कभी छेड़छाड़। क्यों कानून का खौफ राक्षसों में नहीं है? आज करेंगे इसी पर मध्य प्रदेश की महाडिबेट। कभी कभार तो लगता है कि हम सवाल ही क्यों पूछ रहे हैं, क्योंकि हर घटना के बाद सवाल वही रहेंगे और जवाब भी वही रहेंगे, बार पलटवार होता रहेगा और उसके बाद ग्राफ लगातार महिलाओं के खिलाफ अपराध का बढ़ता रहेगा। सियासत अपनी जगह है, लेकिन महिला सुरक्षा एक अहम मुद्दा है जिसे हर चुनाव में भुनाया जाता है और वो आधी आबादी सुरक्षित नहीं है। महाडिबेट आज के किन सवालों के इर्द गिर्द रहेगी, उन सवालों को आपको दिखा देते हैं स्क्रीन पर। पहला महत्वपूर्ण सवाल रहेगा कि महिलाओं की बात तो सुरक्षा अधूरी क्यों है, शत प्रतिशत इंतजाम क्यों नहीं हो पाता है, और दूसरा सवाल रहेगा प्रदेश में कब महफूज होंगी बेटियां। अगला सवाल रहेगा बढ़ते अत्याचारों पर कब लगेगी लगाम। सिर्फ रेप का होना ये अपराध का शुरू होना होता है एक महिला या एक लड़की के साथ, क्योंकि उसके बाद जो आगे का दौर होता है वो भी किसी अपराध से कम नहीं होता। खास मेहमान जुड़ चुके हैं मेरे साथ, उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। टीवी स्क्रीन पर वो चेहरे आपको दिखाई देंगे। बीजेपी के प्रवक्ता हैं पंकज चतुर्वेदी जी, विभा पटेल जी हैं MP महिला कांग्रेस की अध्यक्ष रह चुकी है, वरिष्ठ नेता हैं, भारती यादव जी हैं एडवोकेट हैं, डॉक्टर वंदना मिश्रा हैं सामाजिक कार्यकर्ता हैं, आप सभी का ही बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन पंकज जी, मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालने के बाद CM डॉक्टर मोहन यादव ने 15 दिन के अंदर ही कहा था और दिशा निर्देश दे दिए थे पुलिस अधिकारियों की कि लॉ एंड ऑर्डर के मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, महिला सुरक्षा के मामले में कोई कोताही नहीं होनी चाहिए, उसके बावजूद भी इस तरह की घटना का सामने आना। देखिए अपर्णा जी, निश्चित तौर पर घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं इसका संज्ञान लिया है और कारण बहुत स्पष्ट है कि ये विषय भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी राजनीति का नहीं है,
ये विषय माताओं बहनों से जुड़ा हुआ गंभीर विषय है और इस विषय पर यदि कांग्रेस को राजनीति करना तो अपर्णा जी उनका अधिकार है, हमको आपत्ति नहीं, कांग्रेस अपनी बात करे, पर सरकार सजग और सतर्क है और इसीलिए तत्काल उस महिला की जिसका वीडियो वायरल था, क्योंकि उन्होंने शिकायत नहीं करी थी और पुलिस ने स्वतः संज्ञान लिया, उनको खोजा, प्रकरण पंजीबद्ध किया और जो आरोपी था उसकी गिरफ्तारी करी और उसकी गिरफ्तारी करने में पुलिस उस व्यक्ति को खोजी जिसने उससे भी गंदा काम किया, जो जिसने जो आप उल्लेख कर रही थी कि उनको वीडियो बनाने था साथ था तो उस सारे घटनाक्रम को रोकने की कोशिश करनी चाहिए थी, पुलिस को सूचना देनी चाहिए थी और इसी मानसिकता पर अपर्णा जी काम करने की आवश्यकता है। मैं निश्चित तौर पर मानता हूं कि सरकार की अपनी भूमिका है, पुलिस की अपनी भूमिका है, कानून व्यवस्था की अपनी भूमिका है, पर साथ साथ समाज के स्तर पर हम सबको अपना मन मानस बदलने की भी आवश्यकता है और जो संभवतः सरकारें नहीं कर सकती। आपकी मानसिकता पर, सामाजिक जागृति पर काम करना है, सरकार के लोग कॉल कर सकते हैं, आह्वान कर सकते हैं, नियम कायदे कानून हो सकते हैं, कड़े दंड का प्रावधान जैसे मध्य प्रदेश ने किया, पिछली बीजेपी की सरकार ने किया कि मध्य प्रदेश देश का ऐसा पहला राज्य था पटना जी जहां दुष्कर्म को लेकर फांसी का प्रावधान किया, इसका अनुमोदन हुआ, 80 से अधिक लोगों को मध्य प्रदेश में फांसी की सजा दुष्कर्म का हमने सुनाई जा चुकी है। आज भी दुष्कर्म का विषय जो है वो फास्ट ट्रैक कोर्ट में जाता है, मैक्सिमम 90 डेज में चालान, आरोप पत्र और ट्रायल, और ट्रायल के बाद पनिशमेंट दिया जाता है, पर इस सबके बाद भी अभी लगता है कि और अधिक काम करने की आवश्यकता है और अधिक शक्ति बरते, किसी को बख्शा नहीं जाएगा और जैसी परिस्थितियां उत्पन्न हो उसके बहुत सारे कारण भी हैं, पर मैं मानता हूं कि सरकार की दायित्व बनता है जिस काम निर्वहन करेंगे और प्रयास करेंगे कि मध्य प्रदेश बहन बेटियों के मान सम्मान स्वाभिमान अस्मिता में शीर्ष पर रहे और पूरे देश में हमारे मध्य प्रदेश का नाम हो कि वो एक ऐसा राज्य है जहां बहन बेटियों के प्रति मान सम्मान का अपराध तो छोड़ दीजिए, आदमी वैसा भाव भी नहीं रखता, इस विषय पर सरकार काम करेगी। विभा पटेल जी, अभी कुछ दिनों पहले कांग्रेस का जो महिला मोर्चा था सड़कों पर उतरा था, महिला सम्मान उसमें एक अहम मुद्दा था, याद है मुझे, मैंने देखा भी था आपकी बाइट को उस समय में। यहां बात राजनीति करने की या सवालों से एग्रेसिवली अटैकिंग होने की नहीं है, बात यहां पर यह भी है कि आखिरकार चूक कहां हो रही है, किस किस स्तर पर हो रही है और इस चूक को दिखाने में बड़ी भूमिका यहां विपक्ष की भी होती है। बात मुद्दों पर एग्रेसिव होने की नहीं है, हमने जो अभी 28 तारीख को मैंने ही प्रदर्शन किया था वो हमारी जिम्मेदारी है, राजनीतिक जिम्मेदारी है, नैतिक जिम्मेदारी है और हम चूंकि विपक्ष में है तो हमारा ये दायित्व है कि जहाँ जहाँ पर इस तरह की घटनाएं जिस होती हैं, यदि सरकार गलती करती है तो हमें जनता के सामने भी और सरकार के सामने भी सरकार को आईना दिखाने का काम करना पड़ेगा, एक बात। दूसरा, आज जिस तरह से महिलाओं पर, आज पूरे मध्य प्रदेश में महिलाओं के साथ जिस तरह से रेप की घटनाएं दिन पे दिन बढ़ती जा रही हैं, वो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि हमारे कानून का भय अपराधियों को नहीं है और भय ना होने के कारण ये घटनाएं सामने भी आती हैं और लड़कियां कहीं भी जाने में आज डरती हैं। आज जिस तरह की हम बात कर रहे हैं कि सख्त कानून सबसे पहले मध्य प्रदेश में बने, लेकिन मैं तो ये जानना चाहती हूँ कि आखिर मध्य प्रदेश में कानून बने तो कितने लोगों को फांसी पर लटकाया गया। देखिए फांसी, देखिए जो सजा मिलने में जो देरी हो जाती है कहीं ना कहीं उसके कारण एक हर मामले में वो गंभीरता नहीं आ पाती। यदि फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामला चले और तुरंत निर्णय हो तो अपराधियों को जल्द सजा मिल सकती है, एक। और दूसरी बात ये होती है कि विपक्षी दल तो ये बात उठाएंगे ही, उसको ये मोड़ दे देना कि आप मध्य प्रदेश को बदनाम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं एक सत्ताधारी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का बयान बहुत ही हल्का मालूम देता है। हमारा ये दायित्व है और यदि मध्य प्रदेश में बच्चियों के साथ दुर्व्यवहार की घटनाएं होंगी तो ना केवल हम जनता के सामने बल्कि सरकार को आईना दिखाने का काम भी हम करते रहेंगे। पंकज जी, तो सवाल सीधा यहाँ पर यह उठता है कि घटनाएं हो और क्या विपक्ष अपना मुंह भी ना खोले? नहीं अपर्णा जी, मुंह खोलने और बंद रखने का विषय नहीं है। मैंने तो कहा कि कांग्रेस पार्टी का अधिकार है अपनी बात रखने का, लोकतंत्र है, अपना अधिकार है। हमारा इतना सा आग्रह यह है कि यदि सरकार के स्तर पर कार्रवाई ना हो, सरकार के स्तर पर यदि आरोपी को संरक्षण दिया जाए, सरकार उनके खिलाफ कानून ना बनाए, सरकार फास्ट ट्रैक कोर्ट ना बनाए, सरकार उनके ऊपर त्वरित कार्रवाई न करे, सरकार पीड़ितों को सुविधा उपलब्ध न कराए, तो जरूर सरकार पर सवाल खड़े करिए, हमको आपत्ति नहीं है, आपका अधिकार है, हमें कोई आपत्ति नहीं है। और हमारा आग्रह इतना सा है कि ये विषय खाली राजनीति का नहीं है, ये मध्य प्रदेश की बहन बेटियों के मान सम्मान का विषय है। इनकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी तो पीड़िता की पहचान उजागर कर देते हैं। बहुत लंबा बोल रहे हैं पंकज जी, और एक मिनट पंकज जी,
पंकज जी, हम आपकी बात समझ गए, लेकिन अगर कोई जो सरकार में होता है, यदि अच्छे काम पर ताली उसको मिलती है तो गलत काम पर गाली भी उसी को मिलती है, ये बात आपको समझना चाहिए। और मेरा ये मानना है कि आखिर अपराधियों को भय क्यों नहीं है, क्यों अपराधी खुलेआम घूमते हैं, क्यों क्यों जब कांड होते हैं तब उसके बाद बयान सामने आ जाता है। देखिए बयान बयानों से काम नहीं होता, निर्णय होना पड़ेगा। देखिए राजनीति की बात नहीं है, ठीक है। क्या पंकज कांग्रेस में था जी, आप गलत कामों में शामिल थे, आज हमें गलत कामों के लिए बोलना होगा। मेरा तो ये मानना है, आप कानून बनाया गया है मध्य प्रदेश के अंदर, भारतीय सरकार अपनी पीठ थपथपाती है उस बात पर, लेकिन कानून बनाया गया तो डर जमीन पर दिख क्यों नहीं रहा? कानून में बदलाव लाए गए हैं और पुराने कानून की अपेक्षा अभी बीएनएस में धारा 63 में और 64 में सजा का प्रावधान किया गया है, जिसमें 10 साल सामान्य 10 साल की सजा है और आजीवन का, अगर दोषी पाया जाता है तो आजीवन कारावास और 10 लाख रुपए का जुर्माना दोषी को देना पड़ेगा। और जे ब्लैकमेलिंग की धारा 384 के तहत 14 वर्ष का कारावास का प्रावधान किया गया है, क्योंकि हमारा कानून में लचीलापन है जी, लचीलापन है कानून में, ठीक है ठीक है। डॉक्टर वंदना मिश्रा, जिसे हाई मैं अब आ रही हूँ सुप्रीम कोर्ट आपके पास आगे जाकर, ठीक है भारती जी आऊंगी एक महत्वपूर्ण सवाल लेकर। डॉक्टर वंदना जी, मैं जी बात ही कर रही हूँ कि यहाँ तो उज्जैन की एक घटना, इसके अलावा एक और घटना मध्य प्रदेश में आती है, जहां पर अस्पताल में 12 साल की बच्ची ईएनटी डिपार्टमेंट में एडमिट थी, वहीं पर दूसरे मरीज के तीमारदार ने उस बच्ची के साथ अश्लील हरकत की, रेप करने की कोशिश की, वो तो वक्त रहते बच्चे के पिता ने देख लिया, पकड़कर युवक को पुलिस के हवाले कर दिया। बड़ी बात यहां पर यह है कि ये विकार, इसका इलाज कैसे होगा? समाज के तौर पर हम घटनाओं को तमाशबीन बनकर देखते हैं, उस समाज का इलाज कैसे होगा? ये संवेदन शून्यता जो समाज में आ रही है, निश्चित तौर पर इस संवेदन समाज में निश्चित रूप से नैतिक मूल्यों का पतन हो रहा है, और यह पतन समाज से नहीं परिवार से शुरू हो रहा है। परिवार में ही जहां संयुक्त परिवार का विघटन हुआ है, एकांगी परिवार हुए हैं, माँ बाप को बच्चों के लिए समय नहीं बचा है, तो वो उचित शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं, और इस स्थिति में जो विकृति आ रही है वो सामाजिक विकृति बन रही है। तो इससे आम आदमी को, एक आम नागरिक को सरकार के ऊपर ही डिपेंड नहीं होना चाहिए, उसे यह भी देखना चाहिए कि हमारा भी दायित्व है, हम भारतीय नागरिक हैं तो हमारे भी कुछ कर्तव्य बनते हैं। बहन बेटियों के प्रति, और देश की 50% आबादी है, छोटी बच्ची से लेकर के 60 साल की महिला आज असुरक्षित है, तो यहाँ हमारा ध्यान जाना चाहिए कि क्यों और क्यों आखिर ये विकृति कैसे आ रही है। तो मुझे तो लगता है सबसे पहले हमारा जो ज्ञान परंपरा, भारतीय ज्ञान परंपरा जो लुप्त होती जा रही है, हमारे नैतिक मूल्यों का पतन हो रहा है, हमारे पंचतंत्र हितोपदेश की जो कहानियां हुआ करती थी, जो बचपन से ही सीख देती थी। लेकिन डॉक्टर मिश्रा, एक और बात तो यहाँ पर यह भी है ना कि होटल में दो, एक लड़का एक लड़की अपनी सहमति से जाते हैं तो वहां किसी और संगठन के लोग पहुंचकर धावा बोल देते हैं, वो करने का समय भी है, उन्हें अनुमति भी है, अधिकार भी समझते हैं वो, लेकिन जब सड़क पर किसी के साथ बदतमीजी होती है, बदसलूकी होती है, तो उस वक्त कहां जाते हैं ऐसे लोग? वही 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 बात है कि आम नागरिक जब तक इससे नहीं जुड़ेगा, सामान्य नागरिक इससे नहीं जुड़ेगा, जन समाज इससे नहीं जुड़ेगा, हर व्यक्ति जिसकी नजर ऐसी चीज पड़ती है, आप वो विकृति की हद देखिए कि एक जगह रेप हो रहा है, दूसरा व्यक्ति वीडियो बना रहा है, वीडियो ना बना करके उसको उसमें हस्तक्षेप करना चाहिए। जब समाज इसमें हस्तक्षेप करेगा, आम नागरिक जब हस्तक्षेप करेगा ऐसी स्थिति में, वहीं त्वरित कार्रवाई किया जाना चाहिए और न्याय प्रक्रिया भी त्वरित होना चाहिए। जब तक त्वरित निर्णय नहीं लिया जाएगा जी, ठीक है, इस स्थान पर कि हम संज्ञान में ले रहे हैं और ये कार्य तक होगा या परसों तक हो या जांच चल रही है, ये जांच चलते चलते जांच आखिर कहां तक पहुंचती है? और जिस व्यक्ति ने वीडियो बनाया वह व्यक्ति, और जिस व्यक्ति ने आरोप किया वह, और जो है महिला, उससे ये सारी चीज तुरंत मिल रही है, तो क्यों नहीं इस पे तुरंत कार्रवाई की जाती है? लगता है इसे कठिन से कठिन सजा दी जाने चाहिए। विभाजी, मैं आपके पास आ रही हूं, पंकज जी ये कह रहे हैं प्रावधान किया जाए, ठीक है मैम, कि समाज में
जी नैतिक मूल्यों की शुरुआत की जाए। ठीक है विभा जी, पंकज जी ये कह रहे हैं कि विपक्ष सरकार पर तब उंगलियां उठाए जब सरकार के स्तर पर कोई कार्रवाई ना हो रही हो, कानून बना हुआ है, सीएम की ओर से कड़े निर्देश दिए जा रहे हैं, तो हो हल्ला क्यों? देखिए मैं एक बात कहना चाहती हूं कि देखिए आज जो कार्यप्रणाली भारतीय जनता पार्टी सरकार की दिख रही है, अभी तक मध्य प्रदेश में महिला आयोग का गठन ही नहीं हो पाया है। एक और बात यह है कि जब भाजपा शासित राज्यों में इस तरह की घटना होती है तो ये कहते हैं कि नैतिकता की बात करते हैं, सरकार कार्रवाई कर रही है, कार्रवाई जब कर रही है तो आप क्यों आरोप लगा रहे हैं। वहीं अगर किसी और पार्टी के शासन में वहां पर अगर कोई ये घटना होती है तो उसमें पूरा हंगामा पूरी तरह से मचाया जाता है। देखिए जो भी सत्ता में चाहे कोई भी दल क्यों ना हो, यदि इस तरह से हमारी बच्चियां असुरक्षित हैं, आज बच्चियों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है और मध्य प्रदेश में ये घटनाएं हर दिन बढ़ती जा रही हैं, तो क्या इन पर सवाल नहीं उठने चाहिए? क्या कार्रवाई के लिए सरकार से प्रश्न नहीं पूछे जाने चाहिए? यदि सरकार से प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे तो निश्चित तौर से ना तो कार्रवाई होगी, ना अपराधियों पर कोई दंड मिलेगा और कहीं ना कहीं खाना पूर्ति होके मामला अपने आप वहीं पर दब भी जाएगा। यही एक काम होता। आपको मैं याद दिलाना चाहती हूँ, मैहर में मंदिर के प्रांगण में इस तरह की घटना हुई थी, वहां पर जब आवाज उठाई गई अपराधी पकड़े गए। उज्जैन में ही 8 साल की नाबालिग बच्ची घर घर पर घूमती हुई हमें किसे सितंबर का ही महीना था, वो पिछले साल का सितंबर का ही महीना था, जब आवाज उठाई गई तो उस बच्ची को न्याय मिला, उसके परिवार वाले मिल गए। तो देखिए जब आवाज उठती है और कहीं ना कहीं सबकी आवाज उस विपक्ष की आवाज के साथ मिलती है तो किसी हर पीड़ित को न्याय भी मिलता है, सरकार को भी इस बात का भय होता है कि हमारे साथ विपक्ष की आवाज उठ रही है, हमें इस पे कार्रवाई करनी चाहिए। और जो भी इसका काम करने में जो भी लचर व्यवस्था हम कह सकते हैं या जो ढिलाई बरत रहे अधिकारी होते हैं, उन्हें भी इस बात का भय होता है कि हमें त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए, काम करना चाहिए। पंकज जी सख्ती जवाब दीजिए। पंकज जी अपर्णा जी, मैंने विपक्ष के सवालों पर आपत्ति नहीं ली, इनका अधिकार है सवाल खड़े करने का। मैंने विपक्ष की सिलेक्टिव अप्रोच पर आपत्ति ली है। मेरे पास भी उदाहरण है सरला मिश्रा जी से लेकर अभी कांग्रेस पार्टी की पिछले 7 दिन पुराना मामला, कांग्रेस पार्टी की केरल की एक प्रदेश की कार्य समिति की सदस्य विभाजी सुनिए, प्रदेश कार्य समिति सदस्य उन्होंने कहा कि केरल में प्रदेश कांग्रेस में भी कास्टिंग का ऊंचा सिनेमा की भांति और कांग्रेस पार्टी की एक महिला स्तर की राजनीति। देखिए पंकज जी मैं भी आपको याद दिलाना चाहती हूँ, आज जिस तरीके से गृह मंत्री के बंगले से 10 कदम दूरी पर एक बच्ची के साथ रेप हुआ और टुकड़े करके उसको फेंक दिया गया था, वो भाजपा के बोलने दीजिए और आज बोलने दीजिए, फिर आपके पास मैं आऊंगी काउंटर के लिए, बोलने दीजिए उन्हें पहले। देखिए भाजपा जी उंगली उठाने से एक उंगली आप सामने, अरे विभाजी सुन लीजिए बहन बेटियों के विषय, आपकी पार्टी की केरल की प्रदेश कार्य समिति की सदस्य 7 दिन पहले का सोशल मीडिया में है वायरल वीडियो और उन्होंने कहा कि केरल में प्रदेश कांग्रेस जी, मैं भी वही आपको याद दिला रही हूँ कि यदि काम हो रहा है, यदि गलत घटनाएं मध्य प्रदेश में हो रही है तो क्यों नहीं आप लोग आवाज उठाते, क्यों आप राजनीतिक रंग देने का उनको? देखिए आप उसको कहते, देखिए पंकज जी जब विपक्ष यहाँ आवाज उठाता है तो आप उसे ये कहते हैं कि कांग्रेस उसे राजनीतिक रंग दे रही है। देखिए आज हम इसे रंग, देखिए राजनीतिक रंग नहीं दे रहे, हमारा ये कहना है जब देखिए केरल मणिपुर इन तमाम राज्यों पर बात होगी, लेकिन आज मध्य प्रदेश की बात कर लेते हैं होती है तो आपके प्रधानमंत्री को जाने का समय नहीं रहता। महिला वहाँ पर महिलाएं प्रताड़ित नहीं हो रही, वहाँ महिलाएं प्रताड़ित नहीं हो रही, महिलाओं को निर्वस्त करके घुमाया जा रहा है। आपके आपकी पार्टी का एक व्यक्ति भी ना तो बयान देता है ना वहाँ जाके, नहीं उसका भी वीडियो वायरल हुआ, मणिपुर का वीडियो वायरल नहीं हुआ। पंकज जी क्यों आप चुप थे? अच्छा अगर आप बहुत सारे बात बोलते रहेंगे तो बेबाकी बात करने नहीं हो पाएगी, क्यों नहीं बोलते वहाँ मणिपुर में महिलाएं प्रताड़ित आज भी हो रही हैं, आज भी उनके साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, लेकिन आप बोलेंगे नहीं, आप उसमें आवाज नहीं उठाएंगे, केवल आप उंगली उठाते रहेंगे, कार्रवाई पे आपका कोई विश्वास नहीं है। मुझे लगता है इसे राजनीतिक विषय ना बनाया जाए, महिला सुरक्षा को संज्ञान में लिया जाए, हर हाल में महिला कैसे सुरक्षित हो इस पर सारे दल को बैठ करके विचार करना चाहिए और महिला सुरक्षा पर विशेष प्रावधान किया जाना चाहिए। यह राजनीतिक विषय नहीं, एक सीधे सीधे बहुत अच्छा एग्जांपल जबलपुर में पेश किया एसयूआई और एबीवीपी ने, पंकज विभाजी जहां पर बच्चियों की अस्मिता के मुद्दे पर दोनों ही छात्र संगठन जो अलग अलग पार्टी के हैं, एक कांग्रेस का एक बीजेपी का, वो साथ आए और कहा कि राजनीति नहीं करनी है, हमें
बच्चों को सुरक्षित महसूस कराना है। पंकज जी, मैं यही आग्रह कर रहा हूं अपर्णा जी कि मूल दायित्व सामाजिक दायित्व है, राजनीतिक दायित्व तो बहुत सारे विषय हैं, और कोई विषय जो मध्य प्रदेश की या देश की बहन बेटियों के मान सम्मान स्वाभिमान और अस्मिता का हो उस पर राजनीति क्यों? ढेर सारे विषय मेरे पास, ढेर सारे विषय विभाजित उनकी पार्टी के पास है, और मैंने इसीलिए आग्रह किया कि कोई भी विषय हो, कोई भी सरकार हो, क्या इसके पहले इस प्रकार के अपराध नहीं थे? पर हम उन विषयों पर नहीं जाना चाहते, क्योंकि अपराध किसी राजनीतिक व्यवस्था का विषय नहीं है। अपराध बहन बेटी के साथ, और जो आपने अपर्ण जी कहा, मैं साधुवाद दूंगा आपको, आपने कहा कि सवाल दुष्कर्म का नहीं है, पर दुष्कर्म के बाद का जो शेष जीवन है ना, वो किसी त्रासदी से कम नहीं होता। आपकी आइडेंटिटी आप डिस्क्लोज नहीं कर सकते, आप बाकी जगह जा नहीं सकते, तो निश्चित तौर पर मैं समझ सकता हूं एक मनुष्य होने के नाते कि बहुत पीड़ादायक है, और पीड़ा पर राजनीति करने ना करने का आग्रह कांग्रेस पार्टी से है। यदि इनको लगता है तो कर, मैंने इसीलिए आग्रह किया कि कांग्रेस पार्टी अपने गिरेवान में तो झाके, केरल की कांग्रेस पार्टी की एक बहन 7 दिन पर तक बोल रही है कि केरल में कांग्रेस पे कास्टिंग काउच है। जी नहीं, अपर्णा जी गिरेवान में झांकने की बात कर रहे हैं आप, अपना फिर वही वही आ जाएगा ना, बोलने की कमी इनके पास है, शब्दों की कमी मेरे पास। निश्चित तौर से आज अगर मणिपुर में घटना होती है आप क्यों नहीं बोलते हैं? अगर होता उनके साथ क्यों नहीं बोल? देखिए आपके साथ यही दिक्कत है पंकज जी, आपको सही बात दिखाई जाए तो आपको बहुत करते कार्रवाई क्यों नहीं होता? आप बताइए मध्य प्रदेश में कितने लोगों को फांसी दी गई? आप पंकज जी ये बताइए का जो कानून बना है, आप ये बताइए मध्य प्रदेश में फांसी का कानून बना है, कितने लोगों को आपने फांसी दी? बतौर विपक्ष विभा पटेल जी, आप कोई सुझाव देना चाहती है क्या सरकार को? देखिए पंकज जी पूछे सुझाव क्या देगा विपक्ष, बताइए। कोई सुझाव नहीं, राजनीति खाली। देखिए मैं आपसे यही कह रही हूँ अपर्णा जी, इस तरह की जब घटनाएं होती हैं तो जिसने ये वीडियो वायरल किया निश्चित तौर से उसे तो दंडित किया ही जाना चाहिए, उसका भी संज्ञान लेना चाहिए कि आखिर किसने किया, और वहां पर जब कृत्य हो रहा था तो किन परिस्थितियों में वहां हुआ, क्यों पुलिस ने उस अपराधी को गिरफ्तार किया, अपराधी को भय क्यों नहीं है? महीनों तक केस चलते रहते हैं, दंडित नहीं होते, और कहीं ना कहीं कानून को जो हम लचर की बात करते हैं या फ्लेक्सिबिलिटी की बात हम लोग करते हैं, उसके कारण दोषी बच जाते हैं। हमने कई बड़े बड़े प्रकरणों में ये देखा है कि अपराधी उसकी आड़ लेकर बच जाते हैं, तो अपराधी ना बचे इसका ध्यान सरकार को रखना चाहिए कि उस पीड़िता का पक्ष जो भी वकील रख रहा है, जो जज वहां पर है, जी उन्हें इस बात का बनना जी उसका उन्हें इस बात का राजनीति की नहीं है जी, हम सबके परिवार की बात है, हर परिवार में बच्चियां हैं, हर परिवार में बहनें हैं, हर परिवार में माता है, बेटियां हैं, ये हर परिवार का दखल है। वही मैं कह रही हूँ कि हर एक नागरिक की जिम्मेदारी बनती है, उसके आसपास की हर महिलाओं को सुरक्षित महसूस कराना चाहिए, वो पार्टी के अंदर हो, सड़क पर चल रही महिला हो या ऑफिस में काम कर रही महिला हो। भारती जी आपसे कमेंट, हाल में उसको दखल देना ही चाहिए, महिलाओं को सम्मान से देखना चाहिए, इस तरह की घटनाएं ये छोटी मानसिकता वाले ही करते हैं जी। अभी जो कानून में बदलाव आया है उसमें फरियादी जो विक्टिम है उनके वीडियो और डीवीडी के द्वारा चालान में प्रस्तुत किए जाएंगे, जिससे कि वो अपने किसी भी दबाव में नहीं दे रही होंगी, ये सामने देखा जाएगा कि उन्होंने जो बयान दिए हैं, जो घटना हुई है उनके साथ वही उसमें डीवीडी और सीडी के द्वारा चालान में प्रस्तुत किए जाएंगे। ठीक है, वो किसी महिला पुलिस के द्वारा ही उनसे बयान दिए जाएंगे। आपके लिए प्रॉपर रोशनी कर दी जाए, आज आप जहाँ पर रोशनी कर दी जाए, सुरक्षा का दायित्व बना दिया जाए, सुरक्षा एजेंसियां बना दी जाए, एक समाज को भी दायित्व सौंपा जाए, कुछ संगठन ऐसे तैयार किए जाएं जो सुरक्षा के लिए निश्चित हो, ये सरकार अगर व्यवस्था करती तो बहुत हद तक हम ठीक है। ठीक है, बहुत धन्यवाद आप सभी का, इतना ही समय था मेरे पास। विषय बहुत गंभीर है, राजनीति नहीं होनी चाहिए इस विषय पर, विषय पर सवाल पूछे जाने चाहिए और जवाब भी मिलने चाहिए, लेकिन कोई भी अपनी जिम्मेदारी से बचना नहीं चाहिए, चाहे वो फिर आप क्यों ना हो, क्योंकि बतौर समाज के नागरिक आपकी और हमारी भी जिम्मेदारी बनती है समाज को सही और सुरक्षित बनाने में। एमपी की मार्ड डिबेट में इतना ही, खबरें लगातार जारी।